पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका नहले पे दहला पे। देखिए, ललन सिंह जो है सदन में काफी एग्रेसिव है, वक्फ बोर्ड को लेकर हो या फिर केंद्र सरकार के जो भी मुद्दे हो उस पर ललन सिंह पूरे समर्थन करते दिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में जो है तमाम जो जदयू के नेता हैं, विजय चौधरी को आप ले लीजिए तो वो ललन सिंह के समर्थन में नहीं है, यानी कि वो केंद्र के समर्थन में नहीं है। ललन सिंह हर बात पे एग्रेसिव हो रहे हैं, बात बात पे वो सुना रहे हैं, क्या चल रहा है आखिर ललन सिंह पे मन में? अब ये भी निकल कर आ रही है क्या ललन सिंह वो कड़ी हो सकते हैं जो लालू और नीतीश की नजदीकियां बढ़ाएंगे? क्या कुछ है? बाबा हमारे साथ मौजूद है, बाबा से बात करेंगे। बाबा, क्या है ललन सिंह के कारण एक बार फिर से लालू नीतीश एक होंगे? देखिए खुशी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है उस परिवेश में हमारा फर्ज बन जाता है एक पत्रकार के रूप में कि हम उन तथ्यों को भी जनता के सामने रखें, संभावनाओं को खोज करके ढूंढ कर उस पर मंथन करके हम बताएं कि आखिर होने वाला क्या है। ये देखिए, ये संभावनाएं हैं और एक पत्रकार के रूप में हमारा फर्ज है कि हम इन सारी चीजों से जनता को अवगत कराएं। अब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है और 2025 के चुनाव के पहले और ताजी सरकार बनने के बाद, इन सारी स्थितियों में आप देख लीजिए तो इसकी कड़ी के रूप में ललन सिंह की एक बड़ी भूमिका रही है। और ललन सिंह ने जिस तरह से अपना रोल निभाया है वो जग जाहिर है। कुछ बातें तो ऐसी थी कि कल ही संपादक नमन मिश्रा जी बता रहे थे कि हम लोगों ने एक खबर किया था, उन्होंने याद भी दिलाया हमारे दर्शकों को और बिहार की जनता को कि हम लोगों ने एक खबर किया था कि ललन सिंह तैयारी कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनने का और जनता दल यूनाइटेड के लगभग एक दर्जन से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है जो तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री बनने की मुख्यमंत्री बनाने और अपने उप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ललन सिंह का जो ये पूरा प्लान था, इस प्लान की भनक लग गई थी और नीतीश कुमार ने तुरंत पाला बदल दिया, पासा पलट दिया। अब इस बात की उस समय तो हमें कहा जा रहा था कि आप ऐसे ही खबरें चलाते रहते हैं, लेकिन आज जब खुद राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है तो हमारी खबरों पर मुहर लगी है। एक बार फिर से आपने देख सुना होगा कि ललन सिंह मोदी और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है अपने 12 सांसदों के साथ। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी हम पुष्टि भी नहीं करते हैं, लेकिन एक बात की तो पुष्टि हम जरूर करते हैं कि ललन सिंह आखिर क्यों हटाए गए थे। अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, लगभग एक दर्जन हमारे पास कारण है ये बताने के लिए कि ललन सिंह पर निगाहें क्यों रहती है और ललन सिंह को लेकर के जनता दल यूनाइटेड असहज क्यों रहता है। सबसे पहली बात कि क्या ललन सिंह को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया था तो उनका टर्म पूरा हो गया था क्या? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते हुए मजबूती के लिए पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों एवं अन्य मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक करनी चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए, लेकिन वो ये भी नहीं कर पा रहे थे। अध्यक्ष रहते पार्टी के सभी लोगों के साथ कभी नहीं रख सके ललन सिंह। ये ललन सिंह की अपने अध्यक्ष काल में सबसे बड़ी कमी और कमजोरी थी। ललन सिंह के एरोगेंट नेचर को लेकर के भी आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा हुआ है, कई पत्रकारों के तो उन्होंने माइक तक फेंक दिए थे। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं जब पब्लिक डोमेन में ये कर सकते हैं तो इंटरनली वो कितना ज्यादा एरोगेंट होंगे और अंदरूनी पार्टी को किस तरह से समस्याएं झेलनी पड़ती होगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को। इसके साथ साथ एक खास रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमजोर करने और असुरक्षित रखने का खेल खेल रहे थे। इस बात की पुष्टि तो दो दिन पहले ही हुई है, जिसको हमने उस समय ही बता दिया था जब ये पूरा खेल चल रहा था। इसके बाद आप समझ सकती हैं कि हम लगातार कह रहे हैं, अब इन बातों की धीरे धीरे करके पुष्टि भी होने लगी है कि ललन सिंह ने खुद को नीतीश कुमार के विश्वसनीय और नजदीकी रहने के कारण नीतीश कुमार के जितने भी विश्वास पात्र लोग हैं उन सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को कितना समझिए कि सीने पे पत्थर रख के बुलाया होगा कि कैसे वो आगे पार्टी को बढ़ाएं और संगठन को बढ़ाएं, लेकिन उन्हें बाहर होना पड़ा। आरसीपी सिंह, जो लगातार नीतीश कुमार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, उनको भी बाहर किया गया। पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन, उनको पार्टी छोड़ने के लिए तो समझिए एक तरह से बाध्य किया गया, मजबूर किया गया, और इसमें ललन सिंह की भूमिका बहुत बड़ी है। रणवीर नंदन
जब भी बात होती है तो वो साफ कहते हैं। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है, सुहेली मेहता से लेकर के इतने सारे लंबे लाइन लगे हुए हैं जो आप अंदाजा नहीं कर सकती हैं। इसके साथ साथ 16 सांसदों में से 13 सांसद ललन सिंह के खिलाफ थे, ये भी बातें पता चल गई थी, क्योंकि ललन सिंह ने नीतीश कुमार को एक ऐसी सलाह दी थी जो सलाह नीतीश कुमार के लिए कहीं से उचित नहीं थी, और इसका खामियाजा भी नीतीश कुमार को भोगना पड़ा था। विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को ललन सिंह के अच्छे फीडबैक कभी नहीं मिले। जब भी विधायकों से वो बैठक किए, ललन सिंह के बारे में पूछे और लोगों के बारे में पूछे, तो कभी भी ललन सिंह के बारे में किसी ने अच्छा नहीं कहा। नीतीश कुमार के स्वयं पार्टी कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के दौरान कई बार वो पार्टी कार्यालय से बाहर निकले, और जैसे ही मालूम हुआ कि नीतीश कुमार पहुंचे हैं तो दौड़े दौड़े पहुंचे। यानी नीतीश कुमार को ही सिर्फ वो अपना नेता मानते थे, या नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए वो सब कुछ करते थे। अशोक चौधरी और ललन सिंह विवाद को कौन नहीं जानता है, भले ही इस पर जितना भी अशोक चौधरी पर्दा डालें पार्टी हित के लिए, वो इस सारे मुद्दों को कहें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि दोनों के बीच में जो तल्खियां पड़ गई थी उसमें पार्टी दो फाड़ हो गई थी, और कभी भी कोई बड़ा जदयू में घटना घट सकती थी, लेकिन इसे संभाल लिया अशोक चौधरी और नीतीश कुमार ने। एनडीए के साथ छोड़ महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की गलत सलाह ललन सिंह ने ही दिया था, इस बात की पुष्टि खुद नीतीश कुमार ने की है। इंडिया गठबंधन बनाने और उस गठबंधन में नीतीश कुमार की रणनीति को ठीक तरह से नहीं रखने का कारण भी ललन सिंह ही रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह को पता था कि अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई बड़ा पद दे दिया जाता है तो नीतीश कुमार ललन सिंह को जो चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार को हमेशा हिला डुला करके रखना, और इसका आपने देखा भी होगा कि किस तरह की स्थितियां पैदा हुई। खुद वो एक प्रकोष्ठ के संयोजक बन गए थे जब इंडिया गठबंधन में अलग अलग लोगों को शामिल किया जा रहा था और जिम्मेवारियां दी जा रही थी। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो पक्का है कि बिहार में जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ललन सिंह ने जिस तरह से अपनी जो नई पारी खेलनी शुरू की है मंत्री बनने के बाद। आपने देखा कि दो दिन पहले ही जब हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया हेड से, तो उन्होंने साफ कहा कि ललन सिंह ने तो हमारा समर्थन किया ना, वक्त बोल वाले मामले पे दो फाड़ बटी हुई है पूरी की पूरी जदयू, और इस बात को पूछा जा रहा है, इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि वक्फ बोर्ड वाले में जो जनता दल यूनाइटेड दो फाड़ हुई है उसके पीछे का कारण क्या है। हमने आपने देखा होगा कि हमने गुलाम गौस हो या अन्य जो मुस्लिम नेता हैं उन सभी उनसे सभी से हमने बातचीत किया है और सबके विचार हमने लिए हैं। ललन सिंह ने संसद में किसके सलाह पे, किसके इशारे पे, किसके कहने पे इसका फुल समर्थन किया और इस विधेयक के साथ वो खड़े नजर आए, जबकि हम ये बता चुके हैं कि पार्टी ने संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है किसी को, पार्टी ने किसी को लोकसभा में जिम्मेवारी दी है, पार्टी का नेता घोषित किया है, लेकिन उनके जगह पर ललन सिंह ने क्यों कमान संभाला और क्यों ये बातें की। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर के नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं, लेकिन जिस तरह से संसद में ललन सिंह ने इसको किया, इसको लेकर के गुलाम रसूल बलियावी हों या अन्य नेता हों, उन्होंने खुल करके ललन सिंह का विरोध किया है। वक्फ बोर्ड विधेयक 2024 में क्या है इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा। आपके निजी मामलों में आपके बातों में कोई दखल अंदाजी करे तो आपको तकलीफ तो होती ही है। हालांकि इस कानून का हम विरोध नहीं कर रहे हैं और न ही कानून गलत है, किसी भी तरह का कानून की सुविधाएं और कानून को समय समय पर बदलने और उसे कहा जाता है कि लोगों के बीच रख करके आजमाने की जरूरत होती है। अधिनियम 9 और 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस संशोधन में वक्त का स्ट्रक्चर और शक्ति पर असर पड़ेगा। इसमें 2-3 बातें जो है वो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के नेताओं को या वक्फ बोर्ड के लोगों को नहीं मानने होगा, क्योंकि इसमें महिलाओं को शामिल होने की, गैर मुस्लिम को शामिल होने की बात की जा रही है जो मान्य नहीं हो रहा है, लेकिन जेपीसी को यह मामला चला गया है और इस पर अब विचार होगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है वो साफ बता रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से दोस्ती गांठने और भीतर भीतर प्लानिंग बनाने की तैयारी की थी दो दो बार, एक बार तो नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने की जिसकी पुष्टि हो चुकी है, और दूसरी बार नीतीश कुमार को साइड करके खुद उप मुख्यमंत्री बनके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की, ये दोनों बातें साफ हो चुकी। अब दोनों बातों पर खुलासा भी हो चुका है और राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर
अपना विचार भी रख दिया है। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से ललन सिंह कटघरे में है कि इस बार वो फिर से नीतीश कुमार को छलने धोखा देने और जिस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं वो साफ लगता है कि जदयू के टूटने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का आंख मूंद करके भरोसा किया है, अपने वोट बैंक की चिंता भी नहीं की है, क्योंकि एक तरफ जहां संजय झा को दिल्ली में बैठाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, ललन सिंह ने उनसे भी मंत्रणा नहीं की है और ये उनका फर्ज बनता था कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो उनसे बात करें, नीतीश कुमार से राय मशवरा करें, उसके बाद इस वक्त वोट वाले और सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा करें। ऐसे में निश्चित रूप से ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक पर एक बड़ा झटका लगने वाला नजर आ रहा है और एक बड़े वोट बैंक को नाराज करने जैसा काम किया है ललन सिंह ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। ललन सिंह सीएम नीतीश से ही राय मशवरा करके सदन में बोले हो, अगर नीतीश कुमार से राय मशवरा करके किए रहते तो नीतीश कुमार अब तक चुप रहते क्या? नीतीश कुमार खुल के कहते ना, नीतीश कुमार इस बात को लेकर के बात करते ना, उनकी पार्टी में दो फाड़ हो गया है, मुस्लिम नेता नाराज हैं, नीतीश कुमार ने कोई इस पर चर्चा किया क्या? पूरी तरह से इस मामले को लेकर के, हालांकि आपको बता दें कि इस जो वक्फ बोर्ड वाली बात है उसको लेकर के संजय झा ने भी सदन में बयान दिया है, लेकिन उनके बयान कुछ अलग थे, अलग है, लेकिन ललन सिंह ने इसका फुल समर्थन किया। और एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं आप समझ सकती हैं कि एक बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम समाज और ये वोट बैंक नाराज हो जाता है तो निश्चित रूप से वोट की राजनीति ही सब कुछ होती है। उधर भाजपा भी वक्फ बोर्ड अधिनियम को ला करके उसमें सुधार संशोधन की बात करके गेम ही खेल रही है, राजनीतिक पासा ही फेंकी है, तो वहीं नीतीश कुमार को भी सहज और सजग रहना होगा, अब उनके लोगों को भी रहना पड़ेगा, लेकिन इसमें कहीं दिक्कत महसूस हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब ज्यादा सब कुछ हुआ, नीतीश कुमार नाराज हुए और ललन सिंह जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ अपने सांसदों को लेकर के जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या रहता है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। यानी लालू और नीतीश एक बार फिर से अगर साथ आते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बात होगी और वो बात होगी ललन सिंह की, यानी कि नरेंद्र मोदी से दोस्ती भंग होने, कट्टिस होने। आप बचपन में देखे होंगे कि जब दो दोस्त नाराज होते हैं तो कट्टिस करते हैं, कानी उंगली एक दूसरे से ठेका करके कहते हैं कट्टिस, तो वैसे ही एक बार फिर से ललन सिंह के कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कट्टिस हो जाए। चलिए देखिए, ललन सिंह वो कड़ी बन सकते हैं। ललन सिंह जिस तरीके से अभी अपना एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं और तमाम मुद्दों पर जो है एक तरीके से वो परे जवाब दे रहे हैं, जदयू का कुछ और बयान आ रहा है तो ललन सिंह का कुछ और बयान आ रहा है, ये क्या कुछ संदेश देता है, इस पर हमारी नजर रहेंगी और आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में। इतना पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।